Hello students, today we will continue with the same chapter, that is physical features of India, and we will study the rest of the physiographical divisions in today's class. As we have already read the first division, that is mountain, in our previous class, hope you understand well. So let's start with the second division, that is northern plains. Now northern plains. Northern Plains basically three major rivers की वजह से बना है and these rivers are Indus River, Ganga River and Brahmaputra River. ये rivers जब mountain area cross करती हैं तो इनकी speed काफ़ी होती है, तो ये अपने साथ काफ़ी सारा sand, silt, alluvial deposits बहा कर लेते हुई आती हैं. और जैसे ये plain areas में like after शिवालिक, जैसे ही शिवालिक range cross करती हैं plain area में आती हैं, तो इनका जो फ्लो स्पीड है वो बिल्कुल कम हो जाती है, और जो जो चीज़ें ये अपने साथ बहा कर लेके आती हैं, और तो वो सब चीज़ें सैंड, सिल्ट, एलुवियल डिपॉजिट वो वहाँ छोड़ती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ जाती हैं, और फाइनली दे दीज रिवर्स ड्रेन इनटू गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल. तो जो एलुवियल डिपॉजिट ये रिवर्स बहा कर लेकर आई हैं, अपने साथ लेकर आती हैं, वही एलुवियल डिपॉजिट जो है नदन प्लेन्स को फॉर्म करता है. नदन प्लेन्स उसी एलुवियल डिपॉजिट से बना हुआ है. अब नदन प्लेन्स का जो एरिया है लेंथ वाइज है 2400 किलोमीटर, एंड इसकी विड्थ जो है इट वेरीज बिटवीन 240 to 320 किलोमीटर. नाउ इफ यू मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, देन दीज प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इन थ्री डिविजन्स. जो वेस्टर्न मोस्ट पोर्शन है हमारे इंडिया का, वहाँ पर हमें पंजाब प्लेन्स देखने को मिलते हैं. अब पंजाब प्लेन्स हैं जस्ट बिलो पंजाब हिमालयाज, और ये जो है पंजाब प्लेन्स, दीज आर फेड बाई इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. और यहाँ पर हमें दुआब देखने को मिलता है. दुआब मतलब, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं इस टर्म को, तो दो का मतलब है टू, आप का मतलब है वाटर बॉडीज. सो द डेफिनेशन ऑफ दुआब इज द रीजन दैट इज फेड बाय टू वाटर बॉडीज इज कॉल्ड दुआब. और पंजाब प्लेन्स का जो मैक्सिमम पोर्शन है या लार्जर पोर्शन कह लो, इट लाइज इन पाकिस्तान. फिर आफ्टर पंजाब प्लेन्स गंगा प्लेन्स कम्स, एंड गंगा प्लेन्स जो है वो बिल्कुल हमारे इंडिया के सेंटर में लाए करते हैं, सेंट्रल पोर्शन में लाए करते हैं, एंड इट लाइज बेसिकली बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर. और ये गंगा प्लेन्स जो हैं ये स्टेट्स कवर करते हैं, हमारी कौन कौन सी स्टेट्स कवर करते हैं, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स को गंगा प्लेन्स कवर करते हैं. नाउ ऑन द स्क्रीन वन इमेज इज देयर विच शोज क्लियरली शोज द गंगा प्लेन्स एंड द स्टेट्स विच आर कवर्ड बाय दीज प्लेन्स. Now after Ganga Plains, Brahmaputra Plains are there towards the east, and these Brahmaputra Plains lies in the state of Assam. अब जैसे हम west to east move किया था हमने Northern Plains में, वहाँ के divisions देखे हैं, वैसे हम if we started moving from north to south, then again these Northern Plains can be divided into three major zones. अब ये three major zones कौन से हैं, भाबर, तराई एंड द एलुवियल प्लेन्स. एलुवियल प्लेन्स भी further टू डिविजन्स हैं एलुवियल प्लेन्स की. नाउ लेट्स मूव टू द भाबर. भाबर इज अ नैरो बेल्ट ऑफ 8 to 10 किलोमीटर्स, एंड इट रन्स पैरेलल टू द शिवालिक्स, और इसको हम पेबल कवर्ड बेल्ट भी कहते हैं. एक्चुअली जो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स जो माउंटेन से नीचे आ रही हैं, प्लेन एरियाज में आ रही हैं, ये ऊपर से पहाड़ चट्टाने तोड़कर क्रैक करके अपने साथ तेज प्रेशर से उन टुकड़ों को बहा कर लेके आ जाती हैं. तो ये जो नदियां हैं ऊपर, जहां पर ये स्लो डाउन होती है नदन प्लेन में आके भाबर बेल्ट पे, तो इनकी जो स्पीड है वो कम होने शुरू होती है. तो सबसे पहले जो मोटे पत्थर होते हैं, बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, वो वहाँ जाके रुकते हैं. लेकिन वहाँ नदी नहीं रुकती, नदी क्या है, उन पत्थरों के नीचे से बहती है. लेकिन हमें देखने में ऐसा लगता है कि लाइक रिवर स्ट्रीम जो है वो डिसअपीयर हो चुकी है यहाँ पर. देन आफ्टर भाबर तराई कम्स. तराई बेल्ट का जो अप्रॉक्सीमेटली विड्थ है, इट इज़ अबाउट 10 to 20 किलोमीटर्स, एंड इट लाइज साउथ ऑफ द भाबर. और स्ट्रीम यहाँ पर दोबारा से ऐसा लगता है कि अरे वहाँ तो नदी बंद थी भाबर बेल्ट में, लेकिन यहाँ पर नदी दोबारा से, जो रिवर स्ट्रीम्स हैं वो दोबारा दिखने लगती हैं. और यहाँ पर तराई बेल्ट में जो है, बड़े पेबल्स तो पीछे रुक गए, अब यहाँ पे जो बड़े पेबल्स, बड़े स्टोन्स के बाद जो कचरा और मिट्टी, सैंड, सिल्ट वगैरह, और जो अदर
मटेरियल्स जो अपने साथ बहाकर लेकर आती है ना नदियाँ, वो सब यहाँ इस बेल्ट में आके इकट्ठा होता है. तो दिस बेल्ट इज़ जनरली वेट एंड मार्शी ऑल्सो, और यहाँ पे घने जंगल मिलते हैं, फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ है ये बेल्ट. तो यहाँ पे क्या है, जंगल काटे जाते हैं कल्टीवेशन के लिए. सो द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज दैट इज़ दुधवा नेशनल पार्क. नाउ एलिवल प्लेन्स जो हैं वो फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, भांगर एंड खादर. अब जब रिवर प्लेन्स में बहती रहती है और बारिश का मौसम होता है, तब रिवर फुल ऑन पूरा एरिया कैप्चर करके बहती है. पर जब बारिश नहीं होती है और रिवर में पानी कम हो जाता है, तो वह एक छोटी सी धार में बहने लगती है और एक नई सॉइल डिपॉजिट वहाँ पर हो जाती है. और उस एरिया में जहाँ पर अब रिवर नहीं बह रही है, तो वो जो सॉइल पहले से ही वहाँ थी उसे भांगर कहते हैं. और जो ये नई सॉइल अब जब रिवर की छोटी धार में बहने की वजह से इकट्ठी हुई है, उसे हम खादर कहते हैं. और इसी एरिया को हम फ्लड प्लेन कहते हैं. तो ये जो पिक्चर है ये क्लियर दिखा रही है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी एलुवियल सॉइल नदी के फुल ऑन बहने से पहले, रिवर के बिल्कुल साइड में वो भंगर सॉयल थी, ओल्ड एलुवियम, जो कि हर साल रिन्यू नहीं होती. और इसमें कंकड़ नोड्यूस, कैलकेरियस डिपॉजिट्स काफ़ी रहते हैं. और इसी से भंगर से ही हमारा जो है लार्जेस्ट पार्ट है प्लेन्स का बना हुआ है, दो इट इज़ वेरी लेस फर्टाइल इन नेचर. अब जो खादर है, जो ये अभी नया, जो नदी जब फुल ऑन बह रही थी उसके बाद जब वो एक छोटी सी धार में, वाटर वॉल्यूम कम होने की वजह से थोड़ी सी धार में बहने लगी, तो ये साइड में ये जो लाइट कलर का जो एरिया जहाँ मैंने खादर एरो किया हुआ है, तो ये खादर सॉइल नई सॉइल बनी हुई है. ये हर साल रिन्यू होती है क्योंकि हर साल बारिश होती है, हर साल पानी नदियों में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है. और फिर जब बारिश का सीज़न ख़त्म होता है तो फिर से नदी अपने ओरिजिनल रूप में आ जाती है, थोड़ी कम धार बहने लगती है. तो जो साइड जो सॉइल है, जो खादर सॉइल है, वो हर साल रिन्यू होती है. और यही सॉइल जो है हमारे लिए एग्रीकल्चर के लिए आइडियल सॉइल मानी जाती है. और ये सॉइल जो है हाईली फर्टाइल होती है नेचर वाइज. सो दिस इज ऑल अबाउट द एलुवियल सॉइल. ब्रह्मपुत्र रिवर एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है. And the mouth of these mighty rivers refers to Ganga and its tributaries, Brahmaputra and its tributaries. They form some of the largest world deltas of the world, like Sundarban Delta. And these river plains have a fertile alluvial soil cover which supports a variety of crops like wheat, rice, sugarcane and jute. As a result of which it supports a large population. Or finally, इतनी अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन होने की वजह से ये हमारे कंट्री की जीडीपी में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है. नाउ नेक्स्ट डिवीजन इज़ द पेनिनसुलर प्लेटो. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पेनिनसुलर प्लेटो कितना बड़ा रीजन है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है. तो ये स्टार्ट होता है दिल्ली रिज से, जो कि नॉर्थ वेस्ट में है. वहाँ से राजमहल हिल्स इन द ईस्ट एंड देन गिर रेंजेस इन द वेस्ट टू कार्डिमम हिल्स इन द साउथ. ये आपके सामने स्क्रीन पे एक पूरी इमेज मैंने शो की है कि जो ये रेड लाइंस हैं, जो थोड़ा सा डायमंड सा शेप बन रहा है, तो ये जो शेप है ये आपको क्लियर शो कर रहा है कि हमारे कंट्री में पेनिनसुलर प्लेटो ने कितना बड़ा एरिया कवर किया हुआ है. और इसका एलिवेशन जो है वेस्ट टू ईस्ट है. अब सबसे पहले हम समझते हैं इस टर्म को कि पेनिनसुलर प्लेटो है क्या चीज़. ये दो टर्म से मिलके बना है, पेनिनसुला और प्लेटो. पेनिनसुला का मतलब होता है कि वो जगह जो कि तीन तरफ पानी से घिरी होती है और एक तरफ ज़मीन, जैसे कि हमारा कंट्री इंडिया. हमारे पास जो नदन साइड है, हमारे नॉर्थ साइड है, वो हमारी पानी से नहीं घिरी हुई. अदरवाइज वेस्ट ईस्ट और साउथ जो है वो पानी से घिरे हुए हैं. तो ये तो इसलिए हमारा कंट्री जो है वो पेनिनसुलर कंट्री है. अब प्लेटो इज़ अ हाई प्लेन यू कैन से, और अ टेबल लैंड इज कॉल्ड प्लेटो. सो ये माना जाता है कि दिस होल प्लेटो रीजन इज फॉर्म बाय द ब्रेकिंग अप ऑफ गोंडवाना लैंड एंड इट इज़ अज्यूम्ड टू बी द पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड फीचर दैट एग्जिस्ट इन इंडिया. It is broad and shallow with its small rounded hills that exist
and because of its volcanic origin, this land is composed of igneous and metamorphic rocks. मतलब जो ज़्यादातर जो rocks हैं यहाँ पर वो igneous and metamorphic rocks हैं. The reason behind this is its origin only. So जो west side है या south west side है इस plateau की, that is completely made up of black soil only. So which is very good for cotton cultivation. And now this peninsular plateau can be divided into two parts, central highland and the Deccan plateau. So first we will study about central highland. ये माना जाता है कि सेंट्रल हाईलैंड जो है वो इंडिया के बिल्कुल सेंटर में है एंड इन द नॉर्थ ऑफ रिवर नर्मदा. एंड द रीजन दैट फॉर्म सेंट्रल हाईलैंड इज आल्सो नोन एज मालवा प्लेटो. मालवा प्लेटो इज द एक्सटेंशन ऑफ मालवा प्लेटो इज द हाडोती प्लेटो एक्चुअली दैट एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ राजस्थान कोटा. और मालवा प्लेटो कहाँ पर है? इट इज़ इन द रीजन ऑफ मध्य प्रदेश. दिस सेंट्रल हाईलैंड इज बाउंडेड बाय विंध्या रेंज इन द साउथ एंड अरावली रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट नियर राजस्थान. और यहाँ जो सेंट्रल हाईलैंड में जो रिवर्स फ्लो करती हैं वो हैं चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन. एंड दिस हाईलैंड एक्सटेंड्स अप टू छोटा नागपुर प्लेटो इन द ईस्ट. मालवा प्लेटो छोटा नागपुर प्लेटो के कंपैरिजन में ज़्यादा चौड़ा है. और जो सेंट्रल हाईलैंड की दो रिवर्स हैं चंबल और बेतवा, ये दोनों रिवर्स की जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है. अब आप इन रिवर्स की डायरेक्शन को देख के समझ के ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस प्लेटो का जो एलिवेशन है, ढलान है, वो किस तरफ को है. Now next part is the Deccan Plateau. Deccan Plateau lies in the south of river Narmada and the Satpura Ranges forms the northern boundary and Mahadev, Kaimur and the Maikal Ranges, they form the eastern boundary of Deccan Plateau. Narmada River flows in between Vindhya and the Satpura Range. Another factual thing is that Deccan Plateau is a bit higher in the western side and the slopes gently towards eastern sides, and due to this majority of rivers drain towards eastern side in the Bay of Bengal only. Peninsular Plateau ka कुछ पार्ट नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलता है जिसको कि हम नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो के नाम से जानते हैं. अब नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास मेघालय प्लेटो है और कार्बी एंगलोंग प्लेटो है जो कि एक फॉल्ट से सेपरेटेड है. और ये फॉल्ट उस समय क्रिएट हुआ था जब हमारे हिमालयाज ओरिजिनेट हुए थे, क्योंकि इंडियन प्लेट का जो मूवमेंट था नॉर्थ ईस्टवर्ड, तो वहाँ पे ईस्टवर्ड डायरेक्शन में उस समय जो इंडियन प्लेट ने जो फोर्स एग्जर्ट किया था उस फोर्स से एक बहुत बड़ा फॉल्ट वहाँ पर क्रिएट हो गया था बिटवीन राजमहल हिल्स एंड मेघालय प्लेटो. और ये जो डिप्रेशन है, ये जो फॉल्ट है, ये अब धीरे धीरे ऑलमोस्ट फिल हो चुका है बाय द डिपोजिशन एक्टिविटी ऑफ द न्यूमरस रिवर्स. एंड हेयर इन दिस नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो वी हैव थ्री इंपॉर्टेंट रेंजेस विच आर कॉल्ड GKJ और गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जयंतिया हिल्स. So today Meghalaya and Karbi Anglong Plateau stand detached from the main peninsular block. As the peninsular block is so rich in minerals, same is the Meghalaya Plateau. Meghalaya Plateau is also rich in mineral resources like coal, iron ore, sillimanite, limestone and uranium. Now moving to the western edge of the Deccan Plateau, that is Western Ghat. The elevation of Western Ghat is about 900 to 1600 meter. एंड इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज़ द बॉर्डर ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र, जहाँ इनको नाम दिया गया सह्याद्री, एंड रीचेज ऑल द वे टिल नीलगिरीज. वेस्टर्न घाट्स को हम कंटिन्यूस घाट्स भी कहते हैं, दे आर कंटिन्यूस एंड रेगुलर, वेयर एज वेस्टर्न घाट्स आर मच नैरोअर इफ़ वी कंपेयर दीज घाट्स विद द ईस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स हैव थ्री डिविजन्स, थाल घाट, भोर घाट एंड द पाल घाट. एंड द हाइएस्ट पीक in Western Ghats is Anaimudi, which is followed by the Dutta Beta found in the Nilgiris. Now let's talk about the eastern edge of the Deccan Plateau, that is Eastern Ghats. The elevation of Eastern Ghat is 600 meter
एंड दीज घाट्स आर डिसकॉन्टिन्यूस और इरेगुलर। अब ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं ईस्टर्न घाट्स? महानदी वैली उड़ीसा से लेकर नीलगिरीज जो कि साउथ में है वहाँ तक ये ईस्टर्न घाट्स फैले हुए हैं। ईस्टर्न घाट्स आर मच ब्रॉडर एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न घाट्स एंड हेयर रिवर्स लाइक महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी फॉर्म्स डेल्टा। हाइएस्ट हिल इन दिस रीजन इज महेंद्रगिरी हिल्स फॉलोड बाई शिवरॉय एंड जवादी हिल्स। ज़्यादातर जो पेनिनसुलर रिवर्स होती है ना बच्चों, वो सारी की सारी वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हो रही हैं, और बहुत कम रिवर्स ऐसी हैं जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होने के बाद में अरेबियन सी में ड्रेन आउट होती हैं। अदरवाइज मैक्सिमम रिवर्स जो हैं वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होने के बावजूद जो हैं बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं बिकॉज ऑफ द एलिवेशन डिफरेंस इन द एलिवेशन ओनली। And eastern and the western ghats meet each other at the Nilgiri hills only. Moving on to the next physiographic division, that is desert. Great Indian Desert lies to the northwest of the Aravalli hills. And we can divide desert into two parts. Northern part is sloping towards Sindh and the southern part towards the run of Kutch. Low precipitation and high evaporation makes it a water deficient region. And it has a arid climate. अब मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया है, एरिड क्लाइमेट। एरिड क्लाइमेट का मतलब होता है ऐसा रीजन जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती हो, जहाँ का वेदर कंडीशंस जो है हॉट एंड ड्राई हो, और जहाँ पर वेजिटेशन कवर भी बहुत लो हो। ये कंडीशंस जिस एरिया की होती हैं वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो एरिड क्लाइमेट कहलाता है। It is also known for the sand dunes. Now the only river that flows in the desert area is the Luni River. And most of the dunes are crescent shaped dunes called Barkans. Kuch bache se Barchans bhi pronounce karte hain. It depends. Dono hi correct hain. And the longitudinal dunes are found towards the boundary region of India and Pakistan. Indo-Pak border पे जो dunes मिलते हैं वो longitudinal dunes हैं। अब dunes किसे कहते हैं? Dunes का मतलब होता है टीले, और यहाँ पे desert में किस चीज़ के टीले हैं? ये हैं sand dunes, यानी कि रेत के टीले। Now let's move to the next physiographic division, that is the coastal plains. India is a peninsular country as we know, and the reason behind this is because it is surrounded by water from three sides. बच्चों हमने चैप्टर वन में पढ़ा था कि हमारी इंडिया की कोस्ट लाइन किसे कहते हैं, कोस्ट लाइन है क्या चीज़। अब इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि टोटल जो हमारी कोस्ट लाइन की लेंथ है वो है 6100 किलोमीटर। एंड फिशिंग इज़ द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग ऑन द कोस्ट। कोस्टल प्लेन्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। So let's understand western coastal plains first. These plains lies between western ghats and the Arabian Sea. These plains are narrow, continuous with the height of 900 meter to 1600 meter. These plains are the examples of submerged coastal plains. Submerged ka matlab hota hai underwater. And because of this property, these plains provides natural conditions for the development of ports and harbors. Some of the major natural ports here are Kandla Port, Mazagon Port, JLN Port, Nava Seva Port, Marmagoa Port, Mangalore Port and Cochin Port. In this region, rivers form estuaries, not deltas. Estuaries का मतलब होता है बच्चों, इट इज़ द टाइडल माउथ ऑफ अ लार्ज रिवर वेयर टाइड मीट्स द स्ट्रीम। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को हम थ्री सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। ये थ्री सेक्शन में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट इज द नदन स्ट्रेच विच इज़ कॉल्ड कोंकण प्लेन्स एंड इट लाइज बिटवीन मुंबई एंड गोवा। द सेकेंड वन इज़ द सेंट्रल स्ट्रेच which is called Kannad Plain, or this and this plain, Kannad Plain is rich in oil deposits. Mumbai Port, which is the India's biggest port, located in this Kannad zone only. And the third one is the Malabar Coast, which is also called as the Southern Stretch. Kochi Port is located in this zone.
And this Malabar coast is famous for saltwater lakes, or you can say lagoons. Lagoons ko hum backwater bhi kehte hain. Rivers like Narmada, Tapi, Zuari, Manduvi flows through these plains only. And these are the only rivers which forms estuaries here. Now next is the eastern coastal plain. Eastern coastal plain lies between eastern coast and the Bay of Bengal. These plains are much broader as compared to the western coastal plains. They are much smoother but discontinuous, and the height of these plains is about 600 meters. These plains are the examples of emergent coasts. Well-developed deltas are formed here by the rivers flowing eastward in the Bay of Bengal. Now the eastern coastal plains are also divided into two parts. The northern part is called Northern Sarkar and the southern part is called Coromandel Coast. Important seaports here are Kolkata Port, Chennai Port, Paradip Port and Visakhapatnam Seaport. Rivers like Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri, they form deltas. Deltas of this region are very fertile and are called rice balls of India. Now at Mahanadi, Orissa, we have Chilika Lake, which is the largest saltwater lake. अभी जो इमेज आपके सामने है इससे काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा आपको कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कैसे थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड हैं और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के दो पार्ट्स कैसे डिवाइडेड हैं. नाउ द नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन इज आइलैंड. इंडिया हैज़ टू डिफरेंट प्लेसेस वेयर द आइलैंड एग्जिस्ट. फर्स्ट इज द बे ऑफ बंगाल where 572 islands are present, and the second one is Arabian Sea where 36 islands are present. In the Bay of Bengal, Andaman Island is in the north and Nicobar Island is in the south, and both these islands are separated by the body called 10 degree channel. Now it is very much clear from this image ki Andaman Island or Nicobar Island dono कैसे एक दूसरे से अलग हैं विद द प्रेजेंस ऑफ द वाटर बॉडी दैट इज़ कॉल्ड 10 डिग्री चैनल विच इज़ मार्क्ड विद द रेड इंक. एंड इट इज़ ऑल्सो बिलीव दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स. अब सबमरीन माउंटेन्स किसको कहते हैं? सबमरीन माउंटेन्स आर द पीक्स और द ग्रुप ऑफ पीक्स राइजिंग फ्रॉम द ओशन फ्लोर. सम स्मॉलर आइलैंड्स आर वॉल्केनिक इन ओरिजिन हियर. Barren Island is the only active volcano in India which is situated in the Andaman Sea. मैंने यहाँ Barren Island को भी mark किया है कि Barren Island आपको समझ आ जाए कि कहाँ पर है. Barren Island एक ऐसा island है जो हर 40 से 50 साल के बीच में एक बार ज़रूर फटता है, and it is the only active volcano found in India. Now let's have a look to the another group of island, that is Lakshadweep Island. The islands of Arabian Sea includes Lakshadweep, Minicoy and Aminadweep. They are located at the distance of 280 kilometers to 480 kilometers of the Kerala coast. The entire group of island is broadly divided by 11 degree channel, north of which is the Aminadweep Island and the south of the Kennur Island. आप इस इमेज में देख सकते हैं कि केरला कोस्ट से इस जो लक्षद्वीप आइलैंड है उसका डिस्टेंस कितना है. नाउ दिस एंटायर आइलैंड इज बिल्ट एंड फेमस फॉर इट्स कोरल डिपॉजिट्स, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड कोरल आइलैंड. मिनिकॉय इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड विद एन एरिया ऑफ 453 स्क्वायर किलोमीटर, एंड लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला इज फेमस फॉर इट्स corals, coral barriers, coral fringes and atolls. Atolls means you can define atoll as circular coral formation where we have a water body within. Earlier Lakshadweep was called as Minicoy, Lakadweep and Amanadweep because in 1973 this whole island is named as a Lakshadweep. Kavarati is the capital of Lakshadweep Island, and Port Blair is the capital of Andaman and Nicobar Island. And here
in Arabian Sea, one Pitli Island is there, which is uninhabited and has a bird sanctuary. So we have studied ki India mein kitni zyada diversity hai. Like starting from mountains se hame water and forest wealth milti hai. Then moving to northern plains, wo hamari greenery hain. Then plateau region ki wajah se hamare yahan zyada mineral resources milte hain. Coastal plains ya islands ki wajah se hame fishing aur port activities mein help milti hai. Aur ye sari cheezein ek dusre ko complement karti hain, jisse ki hamare country ko jo hai ब्यूटीफुल बनने में मदद मिलती है. हमारा कंट्री और देशों से ज़्यादा खूबसूरत है. सो हेयर वी एंड दिस चैप्टर. होप यू अंडरस्टैंड वेल. बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, फील फ्री टू आस्क एनी डे एनी टाइम.